पॉइजनिंग से लेकर पिटाई तक ईरान इज डूइंग एवरीथिंग टू स्टॉप द एंटी हिजाब प्रोटेस्ट एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट इट। 2022 से ईरान में विमेन राइट्स और फ्रीडम को लेकर लार्ज स्केल प्रोटेस्ट चल रहे हैं विच गॉट इंटेंसिफाइड आफ्टर द डेथ ऑफ अ यंग गर्ल महसा अमीनी। 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान में कई सारे कंजर्वेटिव लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया एंड वन सच लॉ वॉज रिलेटेड टू विमेन्स ड्रेस कोड। ईरानियन वुमेन को ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो जब भी पब्लिक स्पेसेस में हो उन्हें अपने सर को हेडस्कार्फ से कवर करना होगा एंड टू मेक श्योर कि ये लॉ फॉलो हो वहाँ पर एक मोरालिटी पुलिस भी बनाई गई। इस लॉ को ईरानियन वुमेन हमेशा से चैलेंज करती आई हैं एज दे कंसिडर इट एज एन इंट्रूजन इन देयर फ्रीडम एंड पर्सनल चॉइसेस। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता विच इज वाई वो ऐसे प्रोटेस्टर्स को पनिश कर रही है जो एंटी हिजाब मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। नाउ डू यू थिंक कि गवर्नमेंट को अपने सिटीजंस के लिए ड्रेस कोड सेट करने चाहिए? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू हाउस ऑफ अफेयर्स।